पंजाब से शायद कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ा ही हुआ है, और दूसरी ही फिल्म में एक बार फिर से पंजाब का फिल्लौर के साथ आपका कोई कनेक्शन, कहीं आप कभी गए हैं या कुछ एक्सपीरियंस आपने मेरी किया भैन है? भी आई फिलौर, ओके नाल पेंड है आदमपुर, तो फिलौर एरिया उद ना विच इज़ मेरा पेंड है दुसांझ कहला, वो भी सेम एरिया ही है। सो फिलौर जो मैं अपने पिंड तो लुधियाने जाना तो राह चाहता फिलौर, तो लुधियाने पिंड जाने तो राह चाहता फिलौर। सो मैं लगता फिलौर की तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और क्योंकि मेरी भैन ब्याही है तो असी जो ब्याह हों उदो चेक जाके चेक भी ब्याह कितने होने वाला। सो असी फिलौर तो बहुत बारी गए, रिश्तेदारी भी है साड़ी फिलौर। सो फिल्म का नाम भी फिलौरी। सो एकदम जो इन्होंने कहा कि फिल्म का नाम फिलौरी, सो मैनू तो लगे मैं गल सुनिया भी उसी फिलौर की गल करते, बट आई एम हैप्पी। तो ऑब्वियसली रिश्ता है इवन इट मेक्स यू इजी टू पंजाबी टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ होर जी होर सौखा जी। सो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इट, मींस क्या खास आपको आपके कैरेक्टर में नजर आया? एंड दिस इज समथिंग दिलजीत वी नेवर सीन हिम बिफोर, नॉट इवन पंजाबी फिल्म्स, इवन एक तो कहानी अपने आप में, मैं कहानी मुझे बहुत पसंद है। सेकंड जो करेक्टर था, जैसे उसका जैसे उसकी लुक भी है, वो मुझे नहीं पता था वो क्या निकल के आएगा, वो सिर्फ अनशाय सर के दिमाग में थी। वो जब टेस्ट वेस्ट हो रहे थे तब मैं थोड़ा डर भी रहा था कि ये किधर जा रहा हूँ मैं, मतलब बोल रहे थे थोड़ा काला कर दो, थोड़ा डार्क कर दो टोन, और सर पे ऐसे बांधेंगे विग। सो ये सब चीज़ें मैंने लाइफ में कभी की नहीं है, तो मैं तो इस चक्कर में कर रहा था मैं हिंदी फिल्म में इतने कर दें। सो पर वो लुक बहुत अच्छी मैं आज सारे ने पसंद की थी, मैंने चंगी लगी सी, पर लोगों को भी चंगी लगनी चाहिए थी। सो आज लगी सारे ने चंगी। अच्छा, व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट टू शूट, द एरा, द टाइम, द ट्रैवलिंग टाइम एरा व्हिच वाज मोस्ट ऑफ? सी, ये इसका जो टफेस्ट पार्ट था एक्चुअली वो राइटिंग में था। ये दोनों कहानियों को एक साथ लाना वॉज द टफेस्ट पार्ट एक्चुअली। एग्जीक्यूशन में अलग चैलेंजेस होते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए बहुत एक अच्छी टीम है हमारे पास विच मेक द एंटायर प्रोसेस ईजी ऑफ, बट जो चैलेंज होता है वो राइटिंग में होता है, और आई थिंक वो उस वक्त हैंडल कर लिया गया था। एनीथिंग यू लाइक टू से अबाउट हिम, मींस बीइंग अ डैड, व्हाट आर द बेस्ट थिंग अबाउट यू लाइक हिम, इट्स हिज डेब्यू फिल्म, सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम? I think he's very meticulous and he never gives up. So उनका जो commitment जो होता है वो कभी हिलता नहीं है। I think he's made the film with a lot of honesty and he has put his everything into the film and which we are 100% sure of that he has. And I think जब जो जो idea था the film, the which is what is so new about the film and so amazing about the film, he came up with that idea, you know. So I think idea ki jo value hoti hai wo sabse zyada hoti hai mere hisab se. And Anvita has written the film, of course, but I think Anshay has bakhoobi nibhaya his role as a debutant director. I don't think anyone's going to think that it's his first film when they watch the film. Anshay, did she took any liberty while she had some own production? So did she, what do you want to say about her as an actress? Yaar, it is